अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट आई एम समेर इस्लान, आई एम लेक्चरर इन इंग्लिश। आज मैं आपको एक ईडियम के बारे में बताऊंगा, वो ईडियम है टाई द नॉट। अगर टाई द नॉट एक ईडियम है तो इसका मतलब होगा शादी करना। अगर आप इसका लिटरल मीनिंग लोगे तो लिटरल मीनिंग इसका होगा गांठ बांधना या गिरा बांधना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि टाई द नॉट का मतलब शादी करना है या गिरा बांधना है? याद रखें के लफ्ज़ों का लिटरल मीनिंग भी होता है और फिगरेटिव मीनिंग भी होता है। अब कैसे पता चलेगा कि टाई द नॉट का मतलब शादी करना है या टाई द नॉट का मतलब गांठ बांधना है या गिरा बांधना है? आप माइंड में रखें कि सेंटेंस आपको बताएगा कि इसका मतलब शादी करना है या गांठ बांधना है या गिरा बांधना है। अगर मैं कहूँ कि दे आर गोइंग टू टाई द नॉट दिस वीकेंड, वो इस वीकेंड के एंड में शादी करने लगे हैं या वो इस वीकेंड के एंड में शादी करने वाले हैं, तो इस ईडियम का मतलब होगा शादी करना। ठीक है, आपको सेंटेंस बताएगा कि टाई द नॉट का मतलब क्या है। टाई द नॉट का फिगरेटिव मीनिंग होता है शादी करना। आप जुमला बना सकते हो, आप सेंटेंस बना सकते हो, आप कह सकते हो आयशा एंड उमर आर गोइंग टू टाई द नॉट दिस वीकेंड। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।